हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू दिस चैनल। पिला माने आमे आगरु इंग्लिश रो प्रैक्टिस टेस्ट 1 आउ प्रैक्टिस टेस्ट 2 रो आंसर डिस्कशन करितिले। एई वीडियो रे आमे प्रैक्टिस टेस्ट 3 यार आंसर डिस्कशन करिबा। तुमे तुम स्कूल रे एई एग्जाम देथिबो एवं निश्चित भाबर एई क्वेश्चन सहित अक्वेंटेड थिबो। तो आमे जे वीडियो रे डिस्कशन करिबा आंसर एवं तुमे आगरु जानिचो ए सब प्रैक्टिस टेस्ट चाहा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा द्वारा तुम स्कूल अनुष्ठित होउची। ए सब क्वेश्चन उडाको वेरी वेरी इंपोर्टेंट एवं निश्चित एई भली पैटर्न रो क्वेश्चन तुम एनुअल बा मैट्रिक एग्जाम रे आसीबो। अन्य सब विषय बा सब सब्जेक्ट रो क्वेश्चन पाइबा पई तुम बोर्ड रो ऑफिशियल वेबसाइट www.bscodisha.nic.in चेक करि परिबो। ठीक अच्छे तो डिस्कशन करवा तुम आगु ओएमआर सीट देखी पार ओएमआर सीट रे जहाँ लिखाई उड़िया रे इंग्लिश रे तुम पढ़ी थी। ठीक अच्छे जमी लिखाई नंबर वन यूज ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली टू डार्कन सर्कल्स। सर्कल को डार्केन बा कला करने तुम्हें ब्लू किंबा ब्लैक रो बॉल पॉइंट पेन पे मैंने बॉल पॉइंट पेन ही यूज कर जेल पेन को यूज कर ना। डू नॉट डू एनी रफ वर्क ऑन द सीट ए ओएमआर सीट रे तुम्हें कौन सी रफ वर्क कर ना। Do not write or scribble on the seat. किसी लिखिबो किंबा मुड़ा मुकोचा करिबो नहीं। Do not fold, tear, wrinkle or staple this seat. इतको भांगीबो नहीं किंबा चिरीबो नहीं किंबा जकाजकी करिबो नहीं किंबा स्टापल करिबो नहीं। Darken किंतु करिबो correct method दिया है इसी पूरा goal हमें करिबा। गुटिये ही question भाई गुटिये ही goal बुलाइबा जो option बा जो answer ठीक रॉन्ग मेथड दिया है हमें ठीक मारा नहीं कि भूल मारा नहीं कि गोटे गोल बुले कि छक्क मारा नहीं कि आंशिक डार्केन करवा ना। ठीक अच्छे डू नॉट मेक एनी करेक्शन बाय यूजिंग व्हाइट फ्लूइड ऑन योर ओएमआर आंसर सीट। तुम ओएमआर आंसर सीट रे किसी धड़ा लिक्विड जहाँ मिलूँ इरेजर मार्केट रे आम यूज कर पारा ना। ठीक अच्छे सो बहुत केयरफुली करने पड़ो। साधारणतः तुम आनुआल एग्जाम सीरीयल नंबर रोल नंबर कैंडिडेट्स नेम सेंटर कोड एंड नेम सब्जेक्ट कोड नेम डेट तुम आगुरी लिखाई के आसी थी। ठीक अच्छे तो केवल तुम्हें सिग्नेचर कर देख लिखाई जो लेफ्ट साइड जो बॉक्स अच्छी सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विथ डेट डेट पकेबो सिग्नेचर करिबो निजे जो परीक्षार्थी एवं राइट साइड रे अच्छा अच्छी सिग्नेचर ऑफ द इनविजिलेटर विथ डेट। ठीक अच्छे जो जी तुम इनविजिलेटर थे परीक्षक से तुम खाता उपर दस्तखत करेंगे। ओके बुझी सो तुम्हें देखी पार तुम 50 क्वेश्चन आंसर को सर्कल करने डार्केन करने 50 क्वेश्चन दिखाई। ठीक अच्छे तो आम आंसर डिस्कशन करवा तुम्हें तो स्कूल दे विषय तुम्हें भल भाव जाच। ओके सो सेकेंड लांगुएज इंग्लीश ऑब्जेक्टिव फास्ट डिस्कशन करवा नंबर 1 क्वेश्चन। ओके समस्त केयरफुली शुण लास्ट पर्यन देख हु इज द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कंपोज बाय जानच ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल किए लिखिंट ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू ऑप्शन बी डॉक्टर रिताएस मनी सी सी एफ अलेक्जेंडर डी विलियम वर्ड्सवर। सो ऑप्शन सी ही सटीक आंसर सी एफ अलेक्जेंडर। ओके आंसर तुम्हें लिखिपार व्हाई हाज गॉड गिवन अस लिप्स भगवान कहीं आमको लिप्स ओठ दे ए टू लुक ब्यूटीफुल सुंदर देखापी टू टॉक विथ अदर्स अने सहित कथापी टू सिंग संग्स गीत बोलने डी टू टेल दैट गॉड इज अलमाइटी भगवान सर्वशक्तिमान बोली कहवापाई भगवान को प्रशंसा करने। सो ऑप्शन डी ही सटीक आंसर हम दुई नंबर ऑप्शन डी। ओके नंबर 3 व्हाट आर द हेब्रिडीज हेब्रिडीज कौन। ओके सो आंसर मुझे कहीकि पाने ऑप्शन डी हम ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड उत्तर पश्चिम अंचल किसी द्वीपपुंज। ओके द्वीप समूह सो 3 नंबर ऑप्शन डी हूँ आंसर। नंबर 4 व्हेयर डिड द पोएट बियर द म्यूजिक कवि केउठी ताको संगीत बा गीत को धारण करछंती आंसर हबो ऑप्शन ए इन हिज हर्ट। मन रखे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब ऑप्शन ए इन हिज हर्ट द सॉलिटेयर रिपोर्ट चैप्टर रो 4 नंबर ए। नंबर 5 इन व्हिच सीजन इज द थ्रिलिंग वॉइस ऑफ द कुकोबर्ड हर्ट को ऋतु रे थ्रिलिंग वॉइस कुकोबर्ड रो सुना जाए वेरी सिंपल ऑप्शन सी स्प्रिंग हूँ सटीक आंसर। ओके स्प्रिंग बसंत ऋतु। नंबर 6 हूज भयसेज आर कलिंग द हनी चाइल्ड कहार भयस हनी चाइल्ड को डाकुची। सो आंसर हम ऑप्शन डी फेरी फॉक्स। ओके नंबर 6 द
तार आंसर हम ऑप्शन डी आम डीटा को ही सर्कल करवा। ओके नंबर सेवेन व्हेयर आर द ब्राइडल रोब्स ब्राइडल रोब बाहागर रो पोशाक केउठी होची ऑप्शन सी होची आंसर इन द लूम ऑप्शन सी। ओके हमरो पढ़ाई छि विलेज सॉन्ग चैप्टर पोएट्री तुम समस्त वीडियो देखिथिबो। नंबर एट व्हेयर इज विकीज ब्रेन विकीर ब्रेन केउठी होची ऑप्शन ए ए फॉर्मलिन जार। ओके ऑप्शन ए इन ए फॉर्मलिन जार। नंबर नाइन हु डिड विकी एडोर विकी कहा को प्रशंसा करूला आंसर हम हिज ग्रांड मदर ऑप्शन डी। ओके हिज ग्रांड मदर बहि अच्छी आम पढ़ीचे। नंबर टेन इंपोर्टां क्वेश्चन फाट वेयर विकीज डोमेन विकीर डोमेन कौन थी ए कंप्यूटर्स एंड मैथ्स बी कंप्यूटर्स एंड साइंस सी कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश डी साइंस एंड मैथ्स। सो आंसर हम ऑप्शन कौन पिला माने ए कंप्यूटर्स एंड मैथ्स। ओके दस नंबर ऑप्शन ए। नंबर इलेवेन लेंचोस कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय डैश लेंचोस कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म ऑप्शन सी लेंचोस कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म ऑप्शन सी। ओके नंबर ट्वेल्व व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर लेंचो आफ्टर हिज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड सिंगल होप एकमात्र आशा कौन थी लेंचोर जिते संपूर्ण शस्य नष्ट हो गला। सो आंसर हम ऑप्शन डी हेल्प फ्रॉम गॉड। नंबर ट्वेल्व आंसर हो ऑप्शन डी हेल्प फ्रॉम गॉड। थर्टीन व्हाट वाज द पोस्टमास्टर लाइक पोस्टमास्टर किमती थिला से ना आंसर हम फैट एंड एमिएबल ऑप्शन ए फैट उदार एवं मेलापी। ओके फैट एंड एमिएबल ऑप्शन ए। नंबर फोर्टीन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रख समस्ते व्हाट डिड गांधीजी जेलसली गार्ड इन हिज ओल्ड एज। सो आंसर हम ऑप्शन सी हिज क्यारेक्टर ताकि चरित्र को जगुले। नंबर फिफ्टीन इन ह्विज स्टैंडर्ड डिड गांधीजी ऑफ्टन द स्कॉलरशिप ऑफ फोर रुपीज क्यों स्टैंडर्ड रे फोर्थ रुपीज पाई ऑप्शन हम बी। ओके फिफ्थ स्टैंडर्ड रे मन रोचे। नंबर सिक्सटीन द इजीनेस ऑफ ह्विज सब्जेक्ट टेम्पटेड गांधीजी क्यों सब्जेक्ट जेहेतु सहज थिला ता गांधी को प्रलोभित करथिला ऑप्शन हम बी पर्सियन मन रखा पर्सियन। ह्विज सब्जेक्ट वाज अल्सो कमेन्सड फ्रम द फोर्थ स्टैंडर्ड इन गांधी स्कूल गांधी को स्कूल रे क्यों सब्जेक्ट टी चतुर्थ स्टैंडर्ड रु आसी थिला। सो आंसर हम डी संस्कृत। ओके नंबर एटीन ह्विज बिहू मार्क्स द स्टार्ट ऑफ ए न्यू ईयर इन आसाम मन रखे आसाम रे नुआ वर्षर आगमन क्यों बिहू दर्शाए ना ऑप्शन ए रंगली। ओके मन रखा अठर नंबर ए बही देखा बही मन रखा बहुत बहुत क्वेश्चन अच्छे चैप्टर रु भल भाव पढ़ी मन रखा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ह्विच फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर ए बर्ड कौटा गोटे पक्षी अनुसार नामित कराई। सो आंसर हम हॉर्नबिल। ओके हॉर्नबिल फेस्टिवल जानीचे। नेक्स्ट चॉप डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ व्हिच फेस्टिवल सी लोसुंग। ओके बही देखा बही अच्छी एथे कि बुझार ना घुसिक मन रखा पड़ो। ओके ट्वेंटी वन हाउ लंग वाज तिमोथी व्हेन ही वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर जितेबले ग्रैंडफादर द्वारा आविष्कृत है तिमोथी से केते लंब थी ऑप्शन डी वेरी सिंपल अबाउट 18 इंचेस प्राय 18 इंच रा थिला। 22 प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन हु सेड दिस एटा के कहिथिले प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन। ओके आंसर हम ऑप्शन डी द जू कीपर। ओके नंबर 23 हाउ डिड ग्रैंडफादर वॉक आउट ऑफ द जू केमती चलिले जू रु ग्रैंडफादर शेषे आंसर हम ब्रिस्कली ऑप्शन सी बही अच्छी पिला माने बही वार्ड ही लिखा है ब्रिस्कली हम आंसर 23 ऑप्शन सी। 24 हाउ मेनी कॉपेक्स डिड द बेगर नीड फॉर ए लॉजिंग लॉजिंग पई बा घर भड़ा पई अकोमोडेशन पई बेगर केते कॉपेक्स दरकार करूतला सो आंसर हम 5 कॉपेक्स ऑप्शन ए। ओके बही अच्छी फास्ट देखिबो द बेगर चैप्टर। 25 हाउ डिड अलगा ग्लांस एट हर कंपेनियन केमती अलगा चाहूला तार साथी को आंसर हम ऑप्शन सी रथफुली। ओके 25 नंबर सी हु डज द एक्सप्रेशन द वे रिफर टू इन द स्टोरी द बेगर बेगर रे
द वे बोली कहा को दर्शा जाऊछि आंसर अब वेरी सिंपल द बिगर को ऑप्शन सी 26 नंबर सी ओके 27 हाउ डिड लस्कप पे फॉर ए सीट इन द गैलरी गैलरी पे लस्कप केमिति पेमेंट दोथला गोटे सीट पई ऑप्शन डी हब आंसर इन कॉपर कॉइंस ओके इन कॉपर कॉइंस 28 Who was named the chief judge to decide the case of Juman's aunt? Juman's aunt ra case ko nispatti neba pai ba decide kariya pai chief judge kie hitile. Thik achi? Option A Argu Chaudhary, option B Juman, option C Kariman, option D Samju Sahu. Very simple. Juman's aunt first case ta so answer aba Argu Chaudhary option A. Okay? 29. Long live the god that is the punch. Who said this? E yukti di kie kahitile? এটা হব অলগু চৌধুরী অপশন ডি ওকে হোয়াই ওয়াজ অলগু চৌধুরী ইনিশিয়ালি রিলাকটান্ট টু বি দ্য পঞ্চ প্রথম প্রথমে কাহিঁকি কুণ্ঠাবোধ প্রকাশ করুলে বা পছঘুঞ্চা দেখুলে পঞ্চ হওয়া পঞ্চ হওয়া অলগু চৌধুরী না অপশন ডি হব আনসর হি অ্যান্ড জুমন ওয়ার ক্লোজ ফ্রেন্ড যেহেতু সে এবং জুমন উভয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু লে 31 মাই অঙ্কল হুই ইজ এ জজ ইজ কমিং হিয়ার টুমরো দেখ হুইজ জজ কু অনলাইন করা হয়েছে দ অনলাইন পোর্সন ইজ এ ড্যাশ ক্লজ এটা গোটে কেউ ক্লজ তে আনসর হব নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজ কাহিঁকি না কমা দিয়েছি এবং আমি জানুছে এটা কিছু ডিফাইন করুনি এক্সট্রা পার্ট এবং যেহেতু কমা দিয়েছি আমি জাঁপারা নন ডিফাইন রিলেটিভ ক্লজ কারণ আমি আগর পড়িছে নন ডিফাইন রিলেটিভ ক্লজ পূর্ব কমা থাকে এবং তারপরে কমা থাকে ওকে 32 দ ওয়ার্ড রিজলিউশন ইন এ লেটার টু গড মিন্স ড্যাশ রিজলিউশন র অর্থ কোণ সো আনসার হব অপশন এ দৃঢ় নিষ্পতি এ ফার্ম ডিসিশন ওকে অপশন এ 32 অপশন এ 33 অ্যান্ড এক্সট্রিমলি স্ট্রং উইন্ড ইজ কল্ড কেল অপশন সি ওকে নাম্বার 34 হুচি হিউম্যান ওয়ার্ডস আর নট লিমিটেড দ্য সিঙ্গল ওয়ার্ড ফর দ্য অনলাইন এক্সপ্রেশন ইজ ড্যাশ নট লিমিটেড কু উঠাইবা এবং তা বদলে আমি লিখিবা অনলিমিটেড অপশন বি দেখ পিলামানে অপশন ডি বি অনলিমিটেড আছে কিন্তু ডবল টি আছে সেন হব না অপশন বি অনলিমিটেড ওকে 34 অপশন বি ওকে নেক্সট 35 নম্রতা পোস্টেড দ লেটার আফটার সি ড্যাশ ইট ঠিক আছে দেখ এটি নম্রতা পোস্টেড দ লেটার আফটার তেমন এটা ইয়ার্লিয়ার অ্যাকশন আপনার পাস্ট পারফেক্ট হব সো আনসার হব অপশন ডি হার্ড রিটেন ওকে হার্ড রিটেন ইট ক্রপস উড হ্যাভ বিন বেটার ইফ ইট ড্যাশ ওয়েল ক্রপস উড হ্যাভ বিন বেটার ইফ দেখ ইফ ক্লজ এটা টাইপ থ্রি আমি পড়িছে তোমার ফেস্টিভালস অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া চ্যাপ্টার ভোকাবুলারি মধ্যে অছি সো এটা ফাস্ট পারফেক্ট হব কাহিঁকি না মেন ক্লজ দেখ ফাস্ট লেখা হয়েছে উড়া বিন ওকে সো এটি হব হার্ড রেন্ড ফাস্ট পারফেক্ট হব ইফ ক্লজ ওকে আমি পড়িছে ভালো ভাবে গ্রামারে মধ্যে অছি সো কিছু অসুবিধা নাই বুঝি হব 36 অপশন ডি ইট হার্ড রেন্ড ওকে এটা টাইপ থ্রি চ্যারিটিজ আর এক্সেম্পটেড ড্যাশ পেইং টাস্ক এক্সেম্পটেড ফ্রম ওকে এক্সেম্পটেড ফ্রম প্রিপোজিশন টেক্সট বুক রে আছে মনে রাখিবা 38 দ্য সিঙ্গল ওয়ার্ড ফর দ্য হ্যাবিটস ট্রাডিশনস অ্যান্ড বিলিফস অফ এ কন্ট্রি আর সিঙ্গল ওয়ার্ড কোণ হ্যাবিটস ট্রাডিশন বিলিফ অফ এ কন্ট্রি আপনি কৌছি কলচর ওকে টেক্সট বুক রো নোটস অ্যান্ড গ্লোচার দেখিব ফেস্টিভালস অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া রে মনে রাখিবা তেমন হব কলচর অপশন বি 39 পিপুল প্রে দ্য গড টু ড্যাশ এভিল স্পিরিট কু দূরেই দেওয়া পাই আনসার হব অপশন বি ড্রাইভ হাওয়ে ভগাই দেওয়া পাই দূরে দেওয়া পাই অপশন বি ড্রাইভ হাওয়ে ওকে নাম্বার 40 জুস ইজ মেড ড্যাশ ফ্রুট জুস ইজ মেড ফ্রম ফ্রুট ওকে সি মনে রাখিবা বহির এক্সাম্পল দিয়েছি আমার ফেস্টিভালস অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া চ্যাপ্টর মনে রাখিবা জুস ইজ মেড ফ্রম ফ্রুট হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সেস এক্সপ্রেসেস সজেসন কেউটা ভিতরে প্রস্তাবকে দর্শাউছি তুমি দেখ চারটা বাক্য অছি হ্যাভ এ স্মুথ জর্নি এটা উইস হব ওকে হ্যাভ মর্সি অন আস এটা প্রেয়ার দেন রেসপেক্ট ইউর এল্ডার্স এটা আডভাইস অ্যান্ড সি অপশন যেটা অছি লেটস গো অন এ পিকনিক চাল পিকনিক যা তো এইটা হি সজেসন সো 41 আনসার সি ওকে 42 দিস বুক হ্যাজ মেড দ্য অথর ফেমস দ্য প্যাটার্ন অফ দিস ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স ইজ ড্যাশ এই যে ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স অছি দিস বুক হ্যাজ মেড দ্য অথর ফেমস আর প্যাটার্ন কোণ দেখ দিস বুক হচ্ছে সবজেক্ট ইস হাজ মেড ভব ভি দ অথর হচ্ছে অবজেক্ট ও দেন ফেমস হচ্ছে কম্প্লিমেন্ট সি সো আনসার হব এস বি ও সি কিছু অসুবিধা হলে ভিডিও আভেলেবল অছি দেখিপারিব এ হার্ড অফ এলিফ্যান্টস ড্যাশ সিন ইন দ্য জঙ্গল ইয়েস্টরডে দেখ এ হার্ড অফ এলিফ্যান্টস অছি তো সেটি সিঙ্গুলার বসিব
आउ एस्टर्ड जेहेतु अच्छी पास्ट बसिबो सो वाज सीन हबो आंसर 43 आंसर सी ओके 44 पिक आउट द सेंटेंस व्हिच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट जोटा ग्रामेटिकल भूल अच्छे आम खोजा बाहर करवा चार्ट वाक्य देख फर्स्ट अच्छी द टीचर विथ ऑल स्टूडेंट्स हाज कम ठीक अच्छे विथ लगी द टीचर अनुसार आम हाज बसला सिंगुलर किसी असुविधा नहीं ठीक अच्छे यहाँ करेक्ट नंबर बी देख ऑप्शन बी आइदर ऑफ द बॉयज हाज गॉट ए प्राइज देख आइदर ऑफ द बॉयज अच्छी आइदर ऑफ थी आम पढ़ीचे सिंगुलर बस सो हाज बस असुविधा नहीं ठीक अच्छे सी नाइदर ऑफ देम हाज कम नाइदर पर हाज बस यहाँ ठीक कि डी ऑप्शन देख नन अफ द बॉयज हाव अराइव डेट ये देख नन अच्छी बट ये हाव हो प्लुराल भर्ब हो तो ये हाज बसा कथा कितु हाव बसी से ऑप्शन डीटा इनकरेक्ट सो 44 रो आंसर हम ऑप्शन डी ओके लास्ट ऑप्शन टा 45 ही इज वाचिंग द न्यूज डैश टेलीविजन ऑन इन बाय फ्रॉम देख ये आंसर हम ही इज वाचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन तुम्हें बही देख प्रिपोजिशन मन रखा पिला मैंने एग्जांपल को ओके ही इज वाचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन परीक्षा आसपार ये क्वेश्चन ही एग्रीड डैश माय प्रपोजल ही एग्रीड टू माय प्रपोजल ही एग्रीड टू बही अच्छी प्रिपोजिशन देख ओके ही एग्रीड टू माय प्रपोजल 47 आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू व्हाट ही सेज I have no objection to what he says. देख what he says र फंक्शन बोधे पचारिचे ठीक अच्छे द ऑनलाइन पोर्शन इज ए नाउन क्लॉज वर्किंग एज डैश ठीक तो व्हाट ही सेज र कौन फंक्शन रही सो ऑब्जेक्ट हम कि कम्प्लीमेंट हम कि सब्जेक्ट हम कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन देख ये क्लॉज पूर्व गोटे प्रिपोजिशन बसी टू एवं ये गोटे ऑब्जेक्ट सो ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रिपोजिशन होउछि सटीक आंसर 47 डी ओके 48 पीपुल फॉलोड हिम Wherever he went, people followed him. Wherever he went, लोग देखो पीछा कले से जुआड़े गला Wherever he went, देखो ये गोटे जगह को बुझे आड़ फर क्लस्ट सो टाइम हम ना प्लेस हम ना मैनर हम ना पर्पज हम सो निश्चित भाव में यहाँ प्लेस ही हम ऑप्शन बी सटीक आंसर ओके 49 पीपुल से दैट ही वाज एन ऑनेस्ट ऑफिसर इट इज सेड दैट ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर इट वाज सेड दैट ही वाज एन ऑनेस्ट ऑफिसर ही इज सेड टू हैव बीन एन ऑनेस्ट ऑफिसर ही इज सेड टू बी एन ऑनेस्ट ऑफिसर सो ऑप्शन कोटा हम पे मैंने समस्त जाचे देख जेहेतु पीपुल से अच्छी बट ये ही वाज एन ऑनेस्ट ऑफिसर अच्छे से ऑप्शन सी ही हम हाबिन बस ओके ही सेड टू हाबिन बहर एग्जांपल अच्छे पे वाज पर हाबिन बसला यदि इज था ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर था ऑप्शन डीटा सठिक ही था बट ये जेहेतु ही वाज अच्छी सो ऑप्शन सी ही राइट आंसर हम ही इज सेड टू Have been an honest officer. Okay, 50. He said to me, consult a doctor immediately. So, जेहेतु इटा consult doctor immediately गोटे advice दिया हुआ ची एवं इटा गोटे imperative sentence इट पे two बसी बो. So, option C देखो. He advised me. से टू इटला advice हला. He advised me to consult a doctor immediately. बुझे हुची 50C. So, objective हमें discussion कॉले 50. एवं मुझे जानी निश्चित भाव में तुम स्कूल एग्जाम निश्चित भाव में तुम बहुत भल नंबर रही थी केत नंबर रोते निश्चित भाव में कमेंट बक्स में जनइब ओके सो सब्जेक्ट पार्ट्रे किसी क्वेश्चन जहाँ आंसर तुम्हें टेस्ट पेपर रो परीक्षा तरफ हो पार ओके नंबर टू में जो एसे पढ़ी योर एम इन लाइफ योर फादर द समर सीजन ताद तुमको आसो पे तुम आगुरी कही कि एसे लेख पे सहज एसे पढ़ एवं आउटलाइन को बेस करके तुम 200 वर्ड्स दुई शब्द भितर लिखिपार दुई पेज पाखापाखी आहेतु तुमको आप्लिकेसन आटर बोथ लिखा पड़ो तापेक्षा एसे लिखले भल मुझे कहूँ तुम्हें एसे सब प्राक्ट कर ओके नंबर थ्री अनसीन पैसेज बहुत इजी पड़ी तामें प्राक्ट कर ओके तो निश्चित भाव में अनसीन पैसेज कले भल अर्रे आम रिपोर्ट रईटिंग पड़ी सहित ट्रांसलेसन पड़ी बट सब पाई सब वर्गर पाई अनसीन पैसेजा बेटर कहीं पाने किसी लिखिपर ओके सो 30 मार्क्सर आम सब्जेक्ट थी तुम्हें 20-29 रखापी ट्राए कर जहाँफल तुम सब्जेक्ट 50 भल स्कोर हो पार ओके सो थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट सरीगला पुणी थे तुम फोर्थ प्रैक्टिस टेस्ट आसो निश्चित भाव में तुम स्कूल मानक परीक्षा हम ओके 15-16-17 तेणु निश्चित भाव में प्रिपरेशन जारी रख थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू कीप वाचिंग माय चैनल टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टेक केयर
God bless you all. Wait for the next video. Thank you.